तो आ गया दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं यश टेक्टिव्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पिछले तीन वीडियो बनाई थी टाइटल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर और टैग्स के ऊपर, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देखो। पहले ये वाली देख लो भैया। आज वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऑडियंस अटेंशन को आप कैसे बढ़ा सकते हो। क्या आप ऐसी ऐसी गलती करते हो कि ऑडियंस अटेंशन आपकी नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पाती और जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल भी नहीं हो पाती। तो भैया इस वीडियो में 6-7 पॉइंट बताऊंगा, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को दबा दो, क्योंकि आप सभी को पता है वी प्रोवाइड कंटेंट नॉट कचरा। गाइज सबसे पहले पॉइंट का नाम है क्रिएट क्लिकेबल थंबनेल नोट क्लिकबेट थंबनेल। भैया इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग फेज में ना इतना भी क्लिकबेट नहीं कर देना कि भैया हद से ज़्यादा क्लिकबेट कर रहे हो, हर रोज़ क्लिकबेट कर रहे हो, हर दूसरे दिन क्लिकबेट कर रहे हो। भैया अगर ऐसे करोगे ना आपके ऑडियंस का भरोसा उठ जाएगा, तो आपको कोई नहीं देखेगा भाई, सोचेगा भैया तो हर बार ऐसे ही बेवकूफ़ बना देता है, मैं देखता इसकी वीडियो। गाइज बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, स्पीड। भैया आप देखो क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे भैया स्टार्ट हुई वीडियो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे देखो हेलो दोस्तों मेरा नाम है यश आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बात करेंगे। भाई अगर आप ऐसे बात करोगे भैया आपकी वीडियो देखेगा कौन, सब भाग जाएंगे एकदम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो मन कम बोल रहे हैं, कुछ इतनी जल्दी जल्दी बोलेंगे हेलो दोस्तों मेरा नाम यश और आप देख रहे हैं, मेरा कुछ समझ तो आ रहा भैया, वे भाग जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम स्पीड आपको रखनी है, और जैसे हाथ के एक्सप्रेशन है ना, इसको आपको देना है अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो तो। गाइस बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, भैया इंट्रो। भैया देखो क्या करते हैं कुछ लोग, इतना बड़ा बड़ा इंट्रो रख देंगे भैया 10-10 सेकंड का। भैया सुन जाओ, आपको अगर नए यूट्यूबर हो ना आप, तो इंट्रो का यूज मत करो। जैसे सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे को दबाइए, क्यों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भैया ऐसा नहीं करना है आपको, शुरुआती फेज में इंट्रो का यूज नहीं करना, कैसा भी इंट्रो यूज मत करो। क्या होगा आपकी वीडियो लंबी बनेगी और लोग ज्यादातर नहीं देखेंगे लंबी वीडियो, शुरुआती टाइम में हमें छोटी ही वीडियो बनानी चाहिए। गाइज बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, भैया चौथा पॉइंट ये है कि आपकी जो वीडियो है ना, अगर आप टेक कैटेगरी में हो तो 25 से 30 सेकंड में आपकी वीडियो स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब उन 25 से 30 सेकंड में आपको ये बताना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना है, आपको ये भी बोलना है कि भैया सब्सक्राइब कर दो, आपको ये भी बताना है उसी 30 सेकंड में कि भैया इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। मतलब समरी बताओ शुरू में, ये नहीं कि भाई शुरू में मन रहे हो कि सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, शेयर करो वीडियो को, ये करो, पूरा घंटे लोग यही कर लिया तुमने, तो वीडियो कौन देखेगा भैया आपकी, ये बताओ। गाइज बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, मिसप्लेस कंटेंट। भैया देख लो क्या करते हैं कुछ लोग, मान लो कुछ बात बाद में बतानी है ना, जो सीक्रेट बात है ना, जो सीक्रेट अंदर की बात है वो तो बता देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में बंदा देख के वो भाग जाएगा एकदम, और जो बाद में बताने वाले वो तो पहले बता देंगे, और जो पहले बताने वाली चीज़ है वो उसको बाद में बता देंगे। मतलब जो चीज़ एकदम बेस्ट है ना उसको सबसे बाद में बताओ, ताकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा देर तक रुके। गाइज बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो सुन लो भैया, देखो क्या करना है, देखो 25 से 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन देना है, सब्सक्राइब के बारे में उसमें ही बोलना है, समरी आप क्या बताने वाले हो उसके बारे में ही बोलना है। दूसरा सुन लो भैया, 30 सेकंड से ले गए और 4 या फिर 5 मिनट, मतलब जितनी भी आपकी वीडियो है वहां तक 30 सेकंड से लेकर पूरा बिल्कुल खुल के बता दो वीडियो में, ब्रीफ डिटेल्ड बिल्कुल, जो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए भैया क्या वाह क्या बता रहा है बंदा, ऐसे करके समझा दो भैया आपके ऑडियंस हमेशा अच्छी रहेगी। ऐसे तीसरा सुन लो भैया, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का वो ग्रीन स्क्रीन होती का, वो एक वीडियो में कम से कम 50 बार लगा देंगे, ऐसा यहाँ चल रही भैया, यहाँ चल रही, उसे 10 बार बिलिंग करवाओगे भैया, इतना इरिटेट कर देते हो ना ऑडियंस को, ऐसे करके ये नहीं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे भैया, आपके ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी और कहेगी भैया बार बार परेशान कर रहा है, हम नहीं देखते इसकी वीडियो। चौथा सुन लो भैया, आपको क्या करना है वीडियो में, या तो शुरू में बोल दो, बिल्कुल शुरू में नहीं, मतलब शुरू और बीच के बीच में बोल दो कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाइए,
ये नहीं कि भाई आप पूरे घंटे लोग मंड रहे हो भैया सब्सक्राइब करो शेयर करो ये करो लाइक करो वो करो, भैया घंटे लोग यही कर लिया तो भैया कौन देखेगा आपकी वीडियो। पांचवा सुन लो भैया, बिल्कुल गजब का है पांचवा। तो बीच बीच में जैसे आप अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो या फिर वैसी वीडियो वॉइस ओवर वीडियोस बनाते हो, सुन लो आपको जैसे आप मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना तो साइड में कुछ इमेजेस आने चाहिए या फिर कुछ टेक्स्ट वगैरह आना चाहिए। ये नहीं कि भैया आप एक सांस बक बक कर रहे हो एक घंटे से, इससे भी ऑडियंस बोर हो जाती है। आपको कुछ ना कुछ ग्राफिक्स या फिर कुछ भी टेक्स्ट या फिर कुछ भी रिलेटेड टॉपिक के इमेजेस ऐसे ऐसे बीच में कुछ आती रहनी चाहिए। ये नहीं कि भैया बार बार सब्सक्राइब का बटन ब्लिंक हो रहा है, तो इससे आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होकर रहती है। तो भाई यही थे वे 8-7 पॉइंट बता दिए मैंने। तो भैया इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी लाइक कर देना। अगली वीडियो होने वाली है बिल्कुल अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कैसे करें। तो भैया इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।